हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 11, पैरामीटर एंड एरिया। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 221। हमने एग्जांपल 15 तक देखा था, अब एग्जांपल 16। सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डाइस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इन टू इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल सर्क्यूलर शेप डिस। यहाँ पे पाई लेनी है 22/7। टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल डिस, देखो यहाँ पे 11.33 में सेमी सर्कल पी है और हाफ सर्कल पी है। वी नीड टू फाइंड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर शेप और देन डायमीटर। गिवन दैट रेडियस आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, वी नो दैट द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr है। 2πr तो सेमी सर्कल है, तो 1/2 × 2πr। सो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। पाई है 22/7 × 7, 7 कट हो जाता है तो 22 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर कितना होगा, 2r × 2 × 7, 14 सेंटीमीटर होगा डबल रेडियस से। पैरामीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल डिस, तो 22 + 14 = 36, 22 सेमी सर्कल का और डायमीटर है 14, तो 22 + 14 = 36। एरिया ऑफ सर्कल, कंसिडर द फॉलोइंग। अ फार्मर डग अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 7 मीटर एट द सेंटर ऑफ अ फील्ड। ही नीड टू परचेज फर्टिलाइजर। इफ 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर फॉर 1 square meter एरिया। 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर कितनी रिक्वायर फॉर 1 square meter एरिया। हाउ मच फर्टिलाइजर शुड ही परचेस, वो कितना परचेस करेगा। वॉट विल बी द कॉस्ट पॉलिशिंग अ सर्क्यूलर टेबल टॉप ऑफ रेडियस 2 मीटर एट द रेट ऑफ 10 rupees per square meter। कैन यू टेल वॉट वी नीड टू फाइंड इन सच केसेस एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया और पैरामीटर। इन सच केसेस वी नीड टू फाइंड द एरिया द सर्क्यूलर रेजिन। लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ सर्क्यूलर सर्कल यूजिंग ग्राफ पेपर। यहाँ पे ग्राफ पेपर में दिखाई दे रहा है सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन अ ग्राफ पेपर। फाइंड द एरिया बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इनक्लोज्ड। एज द एज आर नॉट स्ट्रेट वी गेट रफ एस्टिमेट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल बाय दिस मेथड। देर इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल। Draw a circle and said one half of the circle. Now fold the circle. देखो, draw a circle and said one half part said किया of the circle. Now fold the circle into 8 parts में किया है देखो, and cut along the folds. अरेंज द सेपरेट पीस एज सो फिगर नंबर 11.36 में देखो, सेपरेट किए सभी पार्ट को। विच इज रफली अ पैरालोग्राम। द मोर सेक्टर वी हैव द नियर वी रीच एन एप्रोप्रिएट पैरालोग्राम एज डन अबव। इफ वी डिवाइड द सर्कल इन 64 सेक्टर, अगर 64 सेक्टर में डिवाइड करते हैं एंड अरेंज दिस सेक्टर इट गिव्स नियरली अ रेक्टेंगल। तो क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। वॉट इज द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। एज द होल सर्कल इज डिवाइडेड इन टू 64 सेक्टर एंड ऑन ईच साइड वी हैव 32 सेक्टर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द लेंथ ऑफ 32 सेक्टर्स विच इज हाफ ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस। उसका हाफ सर्क्यूमफेरेंस विच इज हाफ ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या आया, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 × L × b इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्क्यूमफेरेंस मल्टीप्लाई रेडियस। तो 1.5 × रेडियस सर्क्यूमफेरेंस 2πr। मल्टीप्लाई रेडियस है हाफ ऑफ सर्क्यूमफेरेंस, हाफ 1 एम
वन अपॉन टू, इन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr एंड मल्टीप्लाई r, तो मल्टीप्लाई r, तो 2 कट हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, या को याद रखना है। एग्जाम्पल 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 3.14 पाई लेनी है, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ डायमीटर ऑफ अ सर्क्यूलर गार्डन इज 9.8 मीटर, डायमीटर दिया है हमें, फाइंड इट्स एरिया, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। डायमीटर है, हम उस पर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे, सो रेडियस क्या होगी, डायमीटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 से, हाफ कर देंगे उसका, 9.8 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 4.9 मीटर। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 4.9, ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75.46 मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 19 है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू सर्कल, यहाँ पे टू सर्कल आपको दिखाई दे रहा है विद द सेम सेंटर, एक ही सेंटर में से, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10, जो लार्ज वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 10, एंड रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, स्मॉल सर्कल की 4 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल फाइंड करना है, द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया फाइंड आउट करना है, और तीसरा करना है द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल। तो फर्स्ट रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल की 10 है, तो सो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन स्मॉल सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाता है, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लिया, बीच का जो पार्ट है शेडेड पार्ट, यहाँ पे देखो ये शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है, तो हम लार्ज में से स्मॉल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 314 माइनस 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना इजी सभी एग्जांपल्स। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 11.3 देखेंगे। ओके, थैंक यू।